what can people do to reduce pollution? People can help keep the air clean. They can use buses or trains instead of cars. Bicycles can be used for short distance. People can also keep the air clean by not burning trash, using cleanest fuels. Can also reduce the air pollution by vehicles, industries or factories. Can use cleaner technologies. People can also ask their representative in the government to make laws for controlling the air pollution. जी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लोग क्या कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो उसमें क्या है, वो उसको साफ कर सकते हैं कैसे जी, कि वो बसेस का और ट्रेन्स का इस्तेमाल जो उनसे कम करें, उसकी जगह कार्स को या बाइसाइकिल्स को इस्तेमाल करें छोटे डिस्टेंस वगैरह के लिए। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ों को मत चलाएँ, ज़्यादा फ्यूल ना चलाएँ इस तरह से, जिससे जो गंदगी है जगह पे वो फैले, लैंड जोन से वो गंदे हों। और उस तरह के वो लॉज बना सकते हैं, और जो लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट में उनके साथ मिलकर लॉज बनाए जा सकते हैं, ताकि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच सके, और जो व्हीकल्स हैं ये फैक्ट्री से जो धुआं वगैरह निकलता है उसको हम ना निकालें। पीपल कैन ऑल्सो हेल्प कीप वाटर क्लीन बाई नॉट डंपिंग गार्बेज इन टू द वाटर। दे शुड डिस्पोज देयर ट्रैश विच कंटेन्स डेंजरस केमिकल्स एंड ऑयल्स प्रॉपरली। The factories can use advanced waste water treatment plants before disposing of their waste material into water. People can keep their locality clean by not throwing trash in improper places. They can also make less trash using less fertilizers and pesticides, and can reduce soil pollution. People can plant more trees and use natural fertilizers to make the land more fertile. They can make organizations in the world which are working to protect the environment. These can be asked for help. उसके अलावा लोग क्या कर सकते हैं, लोग पानी को साफ रख सकते हैं कैसे जी, ताकि पानी में वो गंद ना फेंके, जो गार्बेज है जो पानी में डालते हैं उसको ना फेंका जाए, और इस तरह के केमिकल्स जो ऑयल्स वगैरह जो पानी में मिल जाते हैं उनको ना करके उनसे जो पानी की जो ट्रीटमेंट जैसे पानी साफ किया जाता है उस पर प्रॉपर तवज्जो दे के, और उसके अलावा अपने आस पास की जगह को खुद साफ़ सुथरा रख के वहाँ पर गंद ना फेंके, और इस तरह की चीज़ों का जो जिससे हम इस तरह के फर्टाइल्स यूज़ करते हैं जिससे कि जगह या लैंड गंदा हो, तो उसका इस्तेमाल ना करके बल्कि जो नेचुरल फर्टाइल्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा के हम जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन कर सकते हैं। और आजकल बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ रह सके, और हम उनसे भी उस काम के लिए पूछ सकते हैं। Many countries in the world today are facing the problem of pollution. The developed countries are making serious efforts to decrease the level of pollution. जी आज कल बहुत से लोग हैं जो बहुत सी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो पोल्यूशन को फेस कर रही हैं, वो ऐसे काम का इकदाम कर रहे हैं जिससे वो पोल्यूशन को कम कर सकें। बट इट इज़ द अपोजिट इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ विच आर रेपिडली बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। आवर कंट्री इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री एंड एफर्ट शुड बी मेड बाई ऑल द पीपल द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड सेफ। जी अब हमारी भी जो मुल्क है वो एक बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क में से एक है, और जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बहुत से इंडस्ट्रीज नए कारखाने बन रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर और उन कारखानों से मिलकर अपने साथ साथ इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखें, ताकि अपने इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। It is necessary that everyone become aware of what is happening to the land, water and air around us. We need to think of ways to avoid polluting our land, water and air. हम में से हर किसी को बताना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे लैंड को, पानी को और हवा को क्या हो रहा है, हमें उसको कैसे साफ रखना है और पोल्यूशन को कैसे अवॉइड करना है। जी ये पहले डायनासॉर्स के हैं। डायनासॉर डिसअपीयर बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द वर्ल्ड अराउंड देम चेंज। दे डैट वॉज नॉट देयर फॉल्ट। दे कुड नॉट कंट्रोल द चेंजेस द एनवायरनमेंट। इफ़ वी अलाउ आवर एनवायरनमेंट टू चेंज ऑफ द वर्ल्ड दैट विल बी आवर फॉल्ट एंड आवर्स ओनली। वी कैन डू समथिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट। ऑल ऑफ us have to make sure that the earth remains a beautiful planet in which all living things can continue to live healthy for many years. जी अब कह रहे हैं बहुत सारे डायनासोर जो थे वो रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे जो उनसे था लैंड चेंज होता गया, तो वो लोग अपने आप को उस इन्वायरमेंट के साथ ना कर पाए, चेंज ना कर पाए, और इसी तरह उनकी जो तादाद थी वो कम से कम होती गई। और इस तरह अगर इन्वायरमेंट चेंज होता रहा तो हमारे पास बहुत से ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो शायद वो उस इन्वायरमेंट में ना रह सके, क्योंकि हर किसी को रहने के लिए एक डिफरेंट माहौल चाहिए है।
तो अगर हम चाहते हैं कि सब यहाँ पर रहें तो हमें इसको अच्छा बनाना है और पोल्यूशन फ्री बनाना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कम्प्लीट दिस फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर वर्क।